नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ऑफिस गुरु चैनल में। दोस्तों आज हम एक्सेल में सीख रहे कि एवरेज ईपीएस फंक्शन के अंदर अगर हमने दो क्राइटेरिया दिए दोस्तों, और वो भी क्राइटेरिया रहेंगे टेक्स्ट वाले, और दूसरा रहेगा उसके साथ ऑपरेटर साइन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं एवरेज ईपीएस, जहाँ पर हमें दो क्राइटेरिया मिले हैं। पहला क्राइटेरिया आपका टेक्स्ट का, और दूसरा क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों ऑपरेटर साइन के साथ। ठीक है, चलिए। और एक छोटी सी बात दोस्तों, अगर अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। दोस्तों मेरे पास एक सिंपल सा डेटा है जिसमें मैंने कुछ कस्टमर के नाम या एम्प्लॉय के नाम ऐड किए, उनके सामने कुछ डेट है, रीजन भी है, प्रोडक्ट आईडी भी है, सिटी भी है, और पर प्राइस भी है, क्वांटिटी है, टोटल प्राइस है, छोटा सा एक डेटा है दोस्तों। एवरेज ईपीएस फंक्शन दोस्तों ये समरी फंक्शन ही है, ये बड़े डेटा पे ही वर्क करेगा दोस्तों, कि जहाँ पे आपका डेटा रिपीट हुआ है, कुछ भी रिपीट हो सकता है दोस्तों, नाम भी रिपीट होते हैं, डेट भी होते हैं, रीजन भी होते हैं, प्रोडक्ट आईडी, सिटी, क्वांटिटी, जो भी है दोस्तों, ये रिपीटेड पे एकदम करेक्ट वर्क करेगा। आपको सम भी निकाल के दे सकता है दोस्तों ये समरी फंक्शन, ये एवरेजेस भी निकाल के दे सकते हैं, और ये आपको काउंट भी निकाल दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं कि एवरेज इफ एस फंक्शन में हम दो क्राइटेरिया कैसे ऐड करें, और वो क्राइटेरिया रहेगा दोस्तों टेक्स्ट क्राइटेरिया विथ कंपेरिजन ऑपरेटर। ऑपरेटर्स मतलब कौन से दोस्तों, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये साइन यूज़ करके हम क्राइटेरिया बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एवरेज इफ एस फंक्शन। जैसे आप एवरेज इफ एस फंक्शन लिखेंगे दोस्तों, इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे। पहला आर्ग्यूमेंट है एवरेज अंडरस्कोर रेंज, मतलब आपको जिस कॉलम की, जिस नंबर्स की एवरेज निकालनी है, पहले तो आप उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा दोस्तों। हमें निकालनी है टोटल प्राइस की एवरेज, तो पहले आपको वो रेंज देनी पड़ती है दोस्तों। उसके बाद कॉमा करेंगे, जैसे आप कॉमा करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों थोड़ा सा डार्क और बोल्ड में क्या दिखाई दे रहा है, क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज, मतलब जो भी क्राइटेरिया अभी आप जो पहला एक क्राइटेरिया चेक करने वाले हैं, उस क्राइटेरिया की आपको देनी पड़ेगी पहले रेंज दोस्तों। तो मुझे चेक करना है विवेक, तो विवेक की रेंज कहाँ पर मिलेगी दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, बराबर है, क्योंकि इस रेंज में कहीं ना कहीं विवेक लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, रेंज देने के बाद आपको कॉमा देना है, यहाँ पे कॉमा देना, देने के बाद वो जो पर्टिकुलर आपका क्राइटेरिया था दोस्तों विवेक, अभी उसे आपको यहाँ पे लिखना है, तो वो नाम मैं कोटेशन मार्क में लिखूंगा विवेक, और कोटेशन मार्क क्लोज करूंगा। ठीक है दोस्तों, कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद बाकी की जो भी क्राइटेरिया या जो भी आर्ग्यूमेंट्स है दोस्तों वो ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास सेकेंड क्राइटेरिया है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है हमारा, कि पर प्राइस में जाके चेक करना है कि वहाँ पे प्राइस जो है ग्रेटर देन 20 भी है क्या। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले तो हम इसका रेंज देंगे, अगर हमारे पास सेकेंड क्राइटेरिया है तो उसका चाहिए पहले रेंज, क्राइटेरिया अंडरस्कोर रेंज टू। ठीक है, चलिए ये है हमारी रेंज टू, ठीक है, कॉमा, और इसे कोटेशन मार्क में से हमें चेक करना है कि ग्रेटर देन 20 पर प्राइस लिखी हुई है क्या। हमारे पास थर्ड वाला क्राइटेरिया नहीं है तो हम सिंपली से ब्रैकेट क्लोज करेंगे दोस्तों। तो एवरेज ईपीएस के अंदर हमने दो क्राइटेरिया दिए, कि पहला क्राइटेरिया ये है कि आप नेम, पूरा नेम का कॉलम सिलेक्ट कीजिए और वहाँ पर चेक कीजिए कि विवेक है क्या नहीं, अगर विवेक का नाम वहाँ पर अपडेटेड है तो विवेक के सामने जो भी पर प्राइस लिखी हुई ये वाली, उस पर प्राइस के सामने अगर ग्रेटर देन 20 प्राइस है क्या वो चेक करना है, अगर है तो उनके सामने जो भी टोटल प्राइस है उसकी चाहिए हमें एवरेज। अब एंटर प्रेस करता हूँ दोस्तों, देखिए आंसर है 200, तो सिंपली से क्रॉस चेक करेंगे दोस्तों। क्रॉस चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली कंट्रोल ए करके आपको फिल्टर अप्लाई करने से, कंट्रोल ए से पूरा डेटा सिलेक्ट होगा। सिंपली दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एल हम प्रेस करेंगे, ये शॉर्टकट की है फिल्टर अप्लाई करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेम का फिल्टर ओपन करेंगे, यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए हम यहाँ पे
विक्रम विवेक को ढूंढेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे हमें विवेक के डिटेल्स मिल गए, विवेक की हर एक एंट्री आपको मिल गई, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ग्रेटर देन 40 दोनों को चेक करेंगे तो हमारा आंसर है दोस्तों 240। सॉरी दोस्तों, देखना है आपको ग्रेटर देन 20। ग्रेटर देन 20 देखने के लिए आपको देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल, यहाँ पे जाके हम चेक करेंगे, ये है विवेक, सिलेक्शन निकाल देंगे, पर्टिकुलर विवेक को ढूंढेंगे दोस्तों, ठीक है। और हमें देखना है कि उसकी जो पर प्राइस है ग्रेटर देन 20 है क्या, ये देखिए पर प्राइस ग्रेटर देन 20, ये तीनों है दोस्तों, बराबर। और इनके सामने जो भी टोटल प्राइस लिखी हुई है उसकी हमें निकालनी है एवरेज, तो एवरेज है 200। तो ये जो आंसर आया ये दोस्तों करेक्ट आया, ठीक है। चलो दोस्तों, चलिए हम देखिए कि अगर रीजन के कॉलम में अगर ईस्ट रीजन अपडेटेड है और उस ईस्ट रीजन के सामने जो भी पर प्राइस लिखी हुई है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 मिल रही है, तो उनके सामने जो भी टोटल प्राइस है उसकी हमें निकालनी है एवरेज। तो हमारे पास हो गए दो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है ईस्ट और सेकेंड क्राइटेरिया है पर प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 40। चलिए हम इसे भी सॉल्व करते हैं, एवरेज ईपीएस फंक्शन यूज़ करेंगे दोस्तों, और हमें चाहिए जिसकी एवरेज वो पहले आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कॉमा करेंगे। अभी हमारा पहला क्राइटेरिया है कि रेंज में जाके चेक करना है ईस्ट। चलिए हम रेंज मतलब रीजन की पूरी रेंज, ठीक है दोस्तों, इसमें जाके हम कोटेशन मार्क में डालेंगे ईस्ट कॉमा। और हमारा सेकेंड क्राइटेरिया है कि पर प्राइस जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है क्या, तो हम देंगे पर प्राइस की पूरी रेंज, कॉमा करेंगे, कोटेशन मार्क में डालेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे, तो आंसर है दोस्तों हमारे पास 360। इसे अगर चाहे तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल शिफ्ट एल और रीजन का फिल्टर ओपन कीजिए और पर्टिकुलर रीजन ईस्ट को सिलेक्ट करना है, और आपको देखना है कि पर प्राइस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 40। देखिए दोस्तों ये आ गई, और ये पर टोटल प्राइस देखे हमने तो क्या इसका एवरेज 360, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो आंसर एकदम करेक्ट है 360, ठीक है दोस्तों। अगर हमें वेस्ट का देखना है तो मैंने यहाँ पे वेस्ट के लिए भी अप्लाई किया है सेम वही फंक्शन। अगर आपका प्रोडक्ट आईडी देखना है दोस्तों तो आपको भी सेम वही प्रोसेस करना है। देखिए दोस्तों एवरेज ई एस, पहले तो हमें चाहिए इसकी एवरेज, कॉमा करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट आईडी B110 ढूंढना है। चलिए तो हम पहले देंगे उस प्रोडक्ट आईडी का रेंज, और कॉमा करेंगे और पर्टिकुलर क्राइटेरिया यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट स्लैश B110 कोटेशन मार्क क्लोज कॉमा। अगर ये प्रोडक्ट आईडी मिल गया तो उसके सामने जो भी पर प्राइस लिखी हुई है वो भी चेक करना है कि वो प्राइस लेस देन इक्वल टू 40 होनी चाहिए। चलिए तो हम पर प्राइस की रेंज देंगे कॉमा, उसके अंदर जो क्राइटेरिया चेक करे वो पे हम कोटेशन मार्क में डालेंगे 40 ब्रैकेट क्लोज कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो आंसर है 260 दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों ये जो क्राइटेरिया जो हम फंक्शन के अंदर दे रहे, अगर वो क्राइटेरिया अगर आपको बाहर दिए, जैसे कि देखिए अभी हम चेक करने वाले पुणे, अगर पुणे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिया है, फिर आपको पर प्राइस जो है नॉट इक्वल टू 40 चेक करनी है, तो आप इसे कैसे करेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए एवरेज ईपीएस फंक्शन यूज़ करेंगे, हमें चाहिए एवरेजेस टोटल प्राइस की, टोटल प्राइस हमने ले लिया, कॉमा करना है दोस्तों, उसके बाद आपको चेक करना है हमें दिए है क्राइटेरिया यहाँ पे पुणे और नॉट इक्वल टू 40। पुणे चेक करने के लिए आपको देनी पड़ेगी सिटी की पूरी रेंज, ठीक है, फिर कॉमा करेंगे और ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। तो आप ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया जो है आप फंक्शन के अंदर भी कोटेशन मार्क में डाल सकते हैं, अगर वो क्राइटेरिया आपको एक सेल में दिया है तो उस सेल को सिंपली सिलेक्ट करना है दोस्तों, फिर कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद दोस्तों हमें चेक करना है कि नॉट इक्वल टू 40 कौन सी पर प्राइस, तो पर प्राइस की आप रेंज दीजिए, ये पूरी रेंज देने के बाद आपको करना है कॉमा, और पर प्राइस क्या चेक करनी है आपको नॉट इक्वल टू 40, आप इसे सिंपली सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर, तो आंसर है 413।
अगर आप चाहे तो इसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आपको करना है कंट्रोल ए ताकि पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाए, कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर अप्लाई करने के लिए शॉर्टकट की दोस्तों। सिटी का फिल्टर ओपन करेंगे और सिलेक्ट करेंगे पुणे सिटी, ठीक है। अगर पुणे सिटी यहाँ पे अपडेटेड है और उसके सामने अगर पर प्राइस 40 लिखी हुई है कहीं ना कहीं, तो उसे सिंपली इग्नोर कर दीजिए और बाकी के नंबर्स के सामने जो भी टोटल प्राइस लिखे उसके आपको चाहिए एवरेजेस, तो एवरेजेस है 413, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आपको कि क्राइटेरिया मैंने फंक्शन के अंदर भी लिखा हुआ है और क्राइटेरिया जो है सेल रेफरेंस में भी है दोस्तों। चलिए मैं और एक बार दिखाता हूँ 2020, ठीक है। ये है हमारा पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है इक्वल टू 20। आपको पर प्राइस भी देखने की इक्वल टू 20 है क्या दोस्तों। चलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एवरेज ईपीएस फंक्शन, हमें चाहिए एवरेजेस। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप सिर्फ टोटल प्राइस की एवरेज निकाल सकते हैं, आप क्वांटिटी की भी निकाल सकते हैं, पर प्राइस की भी निकाल सकते हैं, जो भी आपके डेटा में नंबर से उसकी आप एवरेज निकाल सकते हैं। तो मैं सिंपली लेता हूँ टोटल प्राइस, कॉमा करेंगे दोस्तों, और जो पहला वाला क्राइटेरिया जो हमारा है एक पर्टिकुलर डेट को चेक करना है, आपको देनी पड़ेगी उसकी रेंज, तो ये है उसकी रेंज दोस्तों, ठीक है। कॉमा करेंगे और ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। इस डेट की रेंज में जाके चेक करो कि 11 अगस्त है क्या, कॉमा, और ये पर प्राइस के कॉलम में जाइए इस रेंज में और चेक करो कॉमा कि ये 20 है क्या। देखिए दोस्तों आपको सिंपली क्राइटेरिया को सिलेक्ट करना है माउस से, तो आप फंक्शन के अंदर ये क्राइटेरिया लिखने की या कोटेशन मार्क में लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। सिंपली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आया है दोस्तों 70। तो हम इसे क्रॉस चेक कैसे करेंगे, आपको जाना है सिंपली इस डेटा में, कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल शिफ्ट एल करना है ताकि यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो जाए। तो हम फिल्टर अप्लाई होने के बाद हम जाएंगे डेट के फिल्टर में, यहाँ पे पर्टिकुलर डेट को सिलेक्ट करेंगे दोस्तों। चलिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और 11 अगस्त को सिलेक्ट करूँगा, 11 अगस्त को सिलेक्ट हो गया दोस्तों, और यहाँ पे चेक करेंगे पर प्राइस 20 है क्या। देखिए दोस्तों है इसके सामने क्या है 40 और इस 20 के सामने 100, तो एवरेज कितने दोस्तों 70। तो इस तरीके से ये आपको आंसर मिल गए। तो इस तरीके से आप अलग अलग दोस्तों क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर क्राइटेरिया अगर आप उसको इसके ऐसे बाहर दिए हुए क्राइटेरिया 1 और 2, तो भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेजेस। चलिए मैं यहाँ पे आपको फटाफट लगा के दिखाता हूँ दोस्तों। एवरेज ईपीएस फंक्शन लगाइए, हमें चाहिए टोटल प्राइस की एवरेज, तो आपको सिलेक्ट करना है कॉमा, फिर आपका क्राइटेरिया विवेक, तो चलिए पहले देंगे विवेक की रेंज कॉमा, फिर उसके अंदर ये पर्टिकुलर क्राइटेरिया हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है कॉमा। उसके बाद आपके पास क्राइटेरिया सेकेंड है ग्रेटर देन 20, ये है पर प्राइस, सिलेक्ट कीजिए पर प्राइस का पहला डेटा, फिर कॉमा कीजिए, फिर उसके अंदर हम देंगे ये पर प्राइस का क्राइटेरिया, ब्रैकेट क्लोज, आंसर है 200, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे भी देखिए एवरेज ईपीएस फंक्शन अप्लाई करेंगे, हमें चेक करना है ईस्ट रीजन, सेकेंड पहला क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया हमें देखना है कि जो पर प्राइस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 क्या, ठीक है दोस्तों। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तो उनके सामने जो भी नंबर से टोटल प्राइस की उसकी निकालनी है एवरेज, तो पहले तो एवरेज देंगे हम ये वाली, क्योंकि हमें इस टोटल प्राइस के कॉलम की क्या चाहिए दोस्तों एवरेज। उसके बाद कॉमा करेंगे, पहला क्राइटेरिया ईस्ट, तो पहले देनी पड़ेगी उसकी रेंज, रेंज देने के बाद सिलेक्ट कीजिए ईस्ट, ये है क्राइटेरिया। तो सेकेंड क्राइटेरिया जो है दोस्तों ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ये चेक करने से पहले आपको देना पड़ेगा उसका रेंज, ये है हमारी रेंज, ठीक है दोस्तों कॉमा, फिर आप सेकेंड क्राइटेरिया सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, ये आ गया आंसर। मतलब रीजन के कॉलम में जाके चेक किया ईस्ट है क्या, अगर ईस्ट है तो उसके सामने सामने के कॉलम जो भी है पर प्राइस वाले कॉलम, तो उस पर प्राइस के कॉलम में ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ये प्राइस मेंशन है क्या, अगर है
तो उसके सामने जो टोटल प्राइस लिखी हुई है उसकी चाहिए आपको एवरेजेस। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम एवरेज ईपीएस फंक्शन यूज कर रहे हैं, वो भी टेक्स्ट रेफरेंस के साथ। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। एवरेज ईपीएस मुझे चाहिए एवरेजेस टोटल प्राइस के, कॉमा करेंगे, ढूंढना है मुझे बेस्ट रीजन तो पहले देंगे उसकी रेंज पूरी, फिर कॉमा करेंगे और पर्टिकुलर बेस्ट ये क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा, सेकंड क्राइटेरिया है हमारे पास लेस देन 40, तो लेस देन 40 को चेक करने से पहले हम सिलेक्ट करेंगे पर प्राइस की पूरी रेंज। मैं क्वांटिटी चेक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये पर प्राइस चेक कर रहा हूँ। ठीक है, कॉमा और पर प्राइस जो दी हुई है क्राइटेरिया इसे सिलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, तो हमारा आंसर है 73.33। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए दो क्राइटेरिया लिखे हैं। यहाँ पे पहला क्राइटेरिया कि आपको जाके रीजन की रेंज में चेक करना है कि ये प्रोडक्ट आईडी है क्या, फिर उसके बाद अगर मिल गया तो पर प्राइस में जाके चेक करो कि लेस देन इक्वल टू 40 उसकी पर प्राइस है क्या। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच हो रहे तो उनके सामने जो भी टोटल प्राइस लिखी हुई है उसकी आपको चाहिए सिंपली एवरेज। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एवरेज ईपीएस फंक्शन यूज़ करेंगे, हमें चाहिए टोटल प्राइस की एवरेज, तो टोटल प्राइस मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा करेंगे, ये हमारा क्राइटेरिया प्रोडक्ट बी 1110, तो पहले देनी पड़ेगी उसकी रेंज। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कॉमा करेंगे, उस रेंज में चेक करना है प्रोडक्ट बी 110। ठीक है दोस्तों, कॉमा करेंगे, अभी पर प्राइस दिए हुए तो उसके हम पहले लेंगे एवरेज, फिर कॉमा करेंगे और ये पर प्राइस जो पर्टिकुलर क्राइटेरिया इसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम सेल रेफरेंस दे रहे दोस्तों, ठीक है, एंटर करेंगे 260। अगर आप चाहे तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोस्तों, क्रॉस चेक करने के लिए कंट्रोल ए, पर्टिकुलर डेटा सिलेक्ट होगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर अप्लाई होगा और प्रोडक्ट आईडी का फिल्टर ओपन करेंगे। यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि प्रोडक्ट आईडी बी 110 है क्या। ये देखिए प्रोडक्ट डैश बी स्लैश 110, एंटर कीजिए, देखेंगे लेस देन 40, लेस देन इक्वल टू 40 तो सर है दोस्तों 40 है, इनको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगी एवरेजेस 260। इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे ये वाले भी हम सॉल्व करेंगे, एवरेज ईपीएस टोटल प्राइस को सिलेक्ट करना है क्योंकि इसके हमें एवरेज चाहिए। कॉमा, हमारा क्राइटेरिया है पूना, पूना के लिए हम सिलेक्ट करेंगे सिटी की रेंज, कॉमा करेंगे और पर्टिकुलर पूना जो क्राइटेरिया इसे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, उसके बाद हमें देखना है नॉट इक्वल टू 40 पर प्राइस, चलिए पर प्राइस का रेंज लेंगे, कॉमा करेंगे और इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, उसका सेल रेफरेंस सिर्फ फंक्शन के अंदर जाएगा, एंटर प्रेस कीजिए तो हमें आंसर मिला है 413.33। ठीक है दोस्तों, डेट दिए हमें क्राइटेरिया 1 और सेकेंड क्राइटेरिया हमारे 20 पर प्राइस। इसे भी सॉल्व करेंगे, एवरेज ईपीएस फंक्शन यूज करेंगे दोस्तों, सिंपली एवरेजेस चाहिए हमें टोटल प्राइस की, तो टोटल प्राइस की रेंज लीजिए, फिर कॉमा करेंगे, हमारा क्राइटेरिया है डेट 11 अगस्त, इसे चेक करने के पहले आपको देनी पड़ेगी डेट की पूरी रेंज, फिर करेंगे कॉमा, इस रेंज में जाके चेक करो कि ये डेट है क्या। ठीक है दोस्तों, फिर कॉमा करेंगे, उसके बाद ये भी चेक करो कि पर प्राइस उसके सामने 20 है क्या, तो पहले देनी पड़ेगी पर प्राइस की रेंज, फिर कॉमा करेंगे और फिर ये प्राइस को हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो आंसर है 70। मतलब दोस्तों, एवरेज ईपीएस फंक्शन के अंदर हमने टेक्स्ट रेफरेंस लिए है विथ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज़ किए। इस प्रकार से एवरेज ईपीएस में हमने दो क्राइटेरिया चेक करके हमने निकाले हैं एवरेज। तो दोस्तों, ये था एवरेज ईपीएस फंक्शन जिसके अंदर हमने अलग अलग टेक्स्ट क्राइटेरिया लेके एवरेजेस निकाले। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरा सेशन, ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बहुत 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 शुक्रिया, धन्यवाद।